जय माँ काली। आज गुप्त नवरात्रि का पंचम दिन है और दिन भी शुक्रवार, बहुत ही शुभ दिन है। आज हम आपको बतलाएंगे इस पंचम दिन के गुप्त नवरात्र में आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी इच्छा पूरी हो, कुछ ऐसी इच्छा जो चिर प्रतीक्षित है। आज के दिन जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो पा रहा है और उन माता पिताओं का, उन पति पत्नियों का जिन्हें संतान का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है, वो आज स्कंद माता पंचम दिन का नवरात्र करें। इसके बाद रात्रि के 1:30 बजे एक बेल पत्र लें और पीले चंदन से उस बेल पत्र पे बेल की डंडी से ही लिखे ओम नमः शिवाय। पहले पत्र पे लिखे ओम नमः शिवाय, दूसरे पत्र पे भी लिखे ओम नमः शिवाय, तीसरे पत्र पे भी लिखे ओम नमः शिवाय। जब तीनों पत्र पे ओम नमः शिवाय लिख दे तब शिव पार्वती के पास धूप दीप जलाकर थोड़ा पूजन करें, शिव पार्वती को गेंदे का पुष्प चढ़ाएं और उस बेल पत्र को उनके चरणों में समर्पित करके उन्हें प्रणाम करें और मन में बिल्कुल शून्य होकर संकल्प करें कि आप शिव पार्वती से एक संतान चाहते हैं, दीर्घजीवी संतान। ऐसा करने के पश्चात यह प्रक्रिया याद रहे रात्रि के 1:30 बजे करें। प्रातः उठकर स्नान ध्यान करने के पश्चात उस बेल पत्र को चांदी के ताबीज में अथवा लाल कपड़े में सील कर ताबीज बनाकर गले में धारण करें। यह पहला दिन आज पंचमी के दिन करें पत्नी। नेक्स्ट डे षष्ठी के दिन पति इसी प्रक्रिया को दोहराए और वो भी उस बेल पत्र को चांदी के ताबीज में अथवा लाल कपड़े में सील कर ताबीज बनाकर गले में धारण करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा भी प्रसन्न होंगी और शिव पार्वती भी प्रसन्न होंगे और आपका गोद भरेगा। तो इस नवरात्रि का पंचम दिन आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी है और दिन भी शुक्रवार है, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ घड़ी है। आप इस प्रक्रिया को करें और लाभ उठाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय।